फूलों का तारों का तू आई हेलो तू आई हेलो फूलों का तारों का सबका कहना है पिछला वाला याद है 1000 में मेरी आछी तू ये किया था उसने पिछली बार तो इस बार मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ और एक्चुअली हेलो एंड वेलकम टू दिस रिएक्शन वीडियो हम थोड़ा लेट जरूर हो गए हैं क्योंकि एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और अब मैं काफी जवान आज वाले ट्रेलर में आपने देखा होगा यार हाँ। कुछ लोगों ने बोला है कि मैम गेट वेल सून और इंस्टाग्राम पे भी आके बोला है तो थैंक यू सो मच मैं ठीक तो अच्छा मैं मतलब आज फिफ्थ डे है और मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ तो इसलिए मैंने बोला कि यार अब मैं और लेट नहीं कर सकती और ये मेक जोक ऑफ की जो ये पापा वर्सेस बुआ है ना इसके पीछे एक इमोशन भी है क्योंकि मेक जोक ऑफ की जो पिछले साल राखी की वीडियो आई थी दैट वाज द फर्स्ट वीडियो जो हमने एमजीओ की देखी थी हमने पहली वो वीडियो करी थी हमने और मेरे लिए तो मैंने वो पहले देखी थी क्योंकि मैंने कभी उसका कंटेंट देखा नहीं था तो देन वी फेल इन लव विद आपको पता ही है फिर हमने कोई भी छोड़ी नहीं है पूरे साल तो अब आ गया हमारे रिएक्शन देखता भी है हाय सौरभ आई होप जब तुम अपना फेस रिवील करो तो हम मिलेंगे दिल्ली आओगे तो बताना ठीक है हमारी थोड़ी बहुत बात होती रहती है इंस्टा पे नहीं अगर वो फेस रिवील नहीं भी करे तो भी वो मिल सकते हैं नॉर्मल लोगों से हां ये भी बात सही है बिहाइंड द सीन्स चलो भाई तो लेट्स वॉच कि इस बार इन्होंने राखी पे क्या किया ना एक काम किया करो कि पेट अपना घर पे रख के आया करो कौन लड़ाई शुरू कर रहा बताओ अरे देखने में इतना अजीब लगता है नहीं नहीं चिंता ना करो जिम जाने लगे दो घंटे ट्रेनर एक्सरसाइज कराता है कौन जिम जा रही हो फूल अब तो नहीं रुक रहा अरे इनका करावत इनके ट्रेनर का वजन कम ही का साथ ज्यादा हो गया वाह घर सुरीला के साथ ही जाना फूल मजा ले रहे कल का प्रसाद भूल गए लग रहा सुरीला कैसे बात कर रही हूँ पति है नहीं पति नहीं पति का पता मना अरे रैया का होगा का हुआ कुटी तो डरो का अरे दाता विधाता हमारे सब गृहस्थी के नाश कही जा रहे हो तुम तो हम पहले कह रहे दिन का नीचे बिठा हुआ करो दूसरा खंड है छत न रख जाए हमारी कहीं क्या हुआ अरे आओ धुनू देखो पोयम वाला सीन हो गया कहा? हाथी बैठा कुर्सी पे कुर्सी बोली चटर पटर कुर्सी पे कहा हटे बुआ देखे देखे धुनू बहू का चटका मार देते ये क्या हुआ भाई अपने पापा जैसा दिखने का क्या पैर कौन छुएगा पैर कौन छुएगा सीधे को हुआ पैर छुई छुई मुई याद है छुई मुई छुई मुई आओ सुन लो गदर 3 वाला खेले चल के चलो हले हले इनका सही एंटरटेनमेंट आराम से खेलना आराम से याद आया कोई प्रोबो ऐप बता रहे थे क्या अरे हाँ इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप प्रोबो वो जस्ट वाला हाँ इसमें ओपिनियन दो इन्वेस्ट करो कैटेगरी है जैसे क्रिकेट क्रिप्टो वगैरह सब 1 crore से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं आसान सवाल आते जैसे क्वेश्चन था आयरलैंड 50 से ज्यादा मारेगा हमसे ही बताएं हम 54,000 जीत गए Sure. अब जैसे क्वेश्चन है कि इंडिया पाकिस्तान से एशिया कप में जीतेगी यस नो हमने कहा यस सही हुआ तो और जीतेंगे लाइव मैच में इंस्टेंट प्रॉफिट भी कमा सकते हैं बाकी जीपे यूपीआई वगैरह से विड्रॉल हो ही जाता है तो बस डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो ₹25 वेलकम बोनस पाओ तो सही चीज है अभी डाउनलोड कर रहे इतना हाथ चलता है इनका काहे मारे डाल रही हमारे लड़का का अरे मैं हैंडपंप खोले दे रहा रिंच लेके सामान मंगा रहे सामान लानी नहीं सामान नहीं ला रहा तो का मार डरियो का त्योहार वाले दिन है अरे अम्मा कौन मारे डाल रहा यार शैतानी करेगा मारा नहीं जाएगा तुम कुछ ज्यादा बोलती हूँ जब 9 महीना कोक में रखा रहे तब तो कबाव नहीं कहे हो कि ज्यादा बोलती हूँ अरे यार पता नहीं कहाँ की बातें कहाँ ले जाने लगती बच्चा तुम्हारे बाप में 1000 कमीर है लेकिन जोरू गुलाम नहीं रहा कब जोरू गुलाम कहाँ से आ गया हमको ये बता दो नहीं नहीं बताया तुमको आ दुन्नु बैठो तुम हमारे पास बैठो तुम्हारी मम्मी बहुत मर कही है ये कैसे रो रहा है अरे ऐसे ही रोता जब रोता तो गाने की धुन निकलती है इतना रो रहा है संभालो मुझको अरे यार चुप हो जाओ यार कॉपीराइट पढ़वा के मानोगे क्या चलो यहाँ से अरे भैया आप लोग मिठाई खाओ इन लोग के चक्कर में ना पड़ो वैसे पेंट नया करवा दिया लग रहा हाँ नया करा दिया हम चीजें थोड़ा बदलते रहते हैं मनु बजाता देख देख के
लेकिन पुराना वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा था, पता नहीं कैसा ना शुद्ध जैसा है। तुम्हारे घर से तो अच्छा है जो नीला कर आए हो, गाढ़ा नीला एकदम भूत घर लगता है। भूत घर ये वाला आंखों में चुभ रहा है। हम इतनी देर से मतलब बैठे हैं तो अम्मा इसे घुटन जैसी हो रही कुछ। हमको इतनी तेज गुस्सा लगने लगती जब हमारे कलर वलर के बारे में कोई उल्टी सीधी बात कर देता। अभी मन कर रहा हम बुलडोजर मंगा दे पूरा घर तुड़वा दे। नहीं तो सुना किसको रहे, तुड़वा दे यही तो हम चाह रहे कि घर टूट जाए तुम्हारा। नहीं तो बुलाते बुलडोजर, क्यों आते खराबी अभी अभी आने लगेगी तुमको सांस पूरी। अरे वो बात थोड़ी, आप ना बोल देना अभी शुरू क्यों सब पेंट पेंट, अभी वजह से हो रहा सब कुछ। क्या हमारी वजह से हो रहा है? ओहो जीजा नाराज हो गया, ये गलत। नहीं नहीं, क्या हमारी वजह से हो रहा है? चलो पुरानी बात क्यों निकल आएगी। ठन इधर से भी हम सुने उधर से भी हम सुने, साला ससुराल में बैठे क्या भिखारी भीख मांगने आए क्या हम कोई बेचारा जमात जी। आप इन लोग के चक्कर ना पड़ो, ये लोग कुत्ता बिल्ली है, लड़क रही है। आप शेर हो? नहीं हम शेर नहीं है। अम्मा हाँ हम मतलब क्या इधर से भी पीसे उधर से भी क्या बीच का पिसना समझ लिया क्या? शांति हो गई। अरे यार अरे यार नहीं, आई एम नॉट योर यार। बुलाइए बुलडोजर चलवा दीजिए, हम भी देखे कैसे आता है। ये तो मजाक है। आप ऊपर लोग लीड रोल करते हैं, हम किनारे बैठे रहते तो कोई इज्जत नहीं करता, एकदम जूनियर आर्टिस्ट बना दिया गया। डर गए फूफा जी से सब। क्या है क्या है, मतलब भर का बोला करो, तुम कुछ ज्यादा बोल जाते हो तभी तुम्हारी इज्जत नहीं होती। तुम फिर बोली कंकाल आई सी बिचारी, गुस्सा जात तो कहो नहीं सुनत। खिलाओ मीठा खिलाओ, गुस्सा शांत होगा। कुछ नहीं खाएंगे हम, सब फेंक देंगे। सही वाला गुस्सा आ गया। नहीं भैया ऐसा ना करो, भैया खा लो भैया। नहीं भाभी हमको यह बताओ कोई तरीका। भैया मान जाओ भाभी, लेकिन भैया मान जाओ। भाभी ने दे दिया है भैया, यही बांध देगी राखी मुझे लग रहा है। इसने गाना गा देना। आप भी लो मिठाई, वहीं की होगी गंगा पेड़ा वाली की। ओए होए पिछली बार आया था ना गंगा पेड़ा वाला। सूरज साला पश्चिम से निकल सकता है लेकिन मिठाई गंगा के यहाँ से ही आएगी, भले सड़ी भैया। नहीं तो तुमको सुरीला तुम बोल बैना करो, अकेले थोड़ो लड़ ले। पिछली बार राखी लाने भूल गई है। देखो कहो महकै रही होए। अरे तैयार 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 क्या होएगा? अरे देखो चीटी कहीं नहीं आता। हाँ तो अरे चींटी। हाँ तो चींटी निकली है ना, सांप तो नहीं निकली है वो मिठाई में। यही 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 हम कहते गंगा पेड़ा वाले के मिठाई ना लाओ, साला खिला खिला चींटी वहाँ की, मरवा डालो सब रिश्तेदारों को परिवार वालों को, मार डालो। चींटी खाने से कौन मरा जा रहा है? चींटी खाने वाली चीज है, खाए वाले लोग तो कीड़ा मकोड़ा सांप सब खा जाते, कुछ नहीं होता। हाँ तो हम चींटी खा ले, जैसी तुम्हारी मर्जी, खा पाओ तो खा लो, लेकिन इसमें तुम्हारे गंगा पेड़ा वाले की कोई गलती नहीं। हाँ तो कहो भर के दहेज का चींटी की, चिपका के दहेज है तुम्हारे डिब्बा में, और तुम्हारी भी कोई गलती नहीं। क्या गलती बताओ ना, इतना ड्रामा कर रहे हो, चींटी खाने से कुछ नहीं होता, चींटी सब खा सकते हैं। ठीक है ले, खा लिया। नहीं अंदर लो अंदर लो, ड्रामा अंदर लेना होगा तुम्हें, तुम्हारी बहन ने खिलाया है। एंगल देखिए ना प्यारा लिए, एंगल अच्छे। हेलो भाइयों बहनों, ये वीडियो मैं सबूत के लिए बना रहा हूँ, अगर कल मैं मर जाता हूँ तो मेरी बहन इसकी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगी, इसको कुछ मत कहना, और गंगा पेड़ा वाले को 21 तोपों की सलामी देना, माला पहनाना। कर लियो ड्रामा कर लियो, कस के कर लियो ड्रामा। हाँ भाई जान पे बना गई, तुम ड्रामा बता रहे हो, पागल कहीं की, हम चींटी खा लिया है। खोपड़ी खुल जाए। पड़ गया हसी राखी, हैप्पी राखी। अरे किसी को चाटा पड़ा क्या? ये खाएगा। किसको प्रसाद मिला है? पापा तुमको पड़ा क्या? तुमको पड़ा, रख के दिया क्या अम्मा ने? रख के दिया क्या? हाँ रख के दिया है, आओ तुमको भी रख के दे। लैंग्वेज जो है ना वो अपने आप में ही एंटरटेनमेंट है, मतलब कुछ भी नॉर्मल बातें भी करें, और एक्चुअली में घर में हमारे घर में ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये जो पांच लोग हैं ना
हमारे घर में वो सारे कैरेक्टर्स हैं, चढ़नी पड़ती किसी को, चढ़ने नहीं पड़ती किसी को, बट सबकी पर्सनैलिटी ना वही है। मुझे लगता है दिखा, इट इज सो रिलेटेबल। राखी जो है ना, अब वो वाला त्योहार, अब वो ये ना कलयुग है, ठीक है, कलयुग का एक पार्ट है, कलयुग पार्ट वन है, तो अब राखी का वो त्योहार रहा नहीं है जिसमें आप वो जो हम देखते देखा करते थे टीवी में, मेरे ख्याल से वो टीवी में ही दिखाया जाता था वो वाला, कि बिल्कुल ऐसे प्यार होगा। हमारे में राखी का दिन होता है जिस दिन हम एक दूसरे से खुंदक कलेश निकालते हैं। तो मेरी बहन ने मुझे बुलाया अपने घर, सुन लो कहानी। उसने बोला कि पहली बात तो ये है कि मुझे स्पेशली इंस्ट्रक्शन दी कि तू ऐसे नहीं आएगा जैसे मैं घूमता हूँ। उसने बोला पगड़ी बांध के आएगा तैयार होके। मैंने कहा वाह यार इतना प्यार, ठीक है चलो। तैयार होके गए हम, तो पता लगा कि उसको रील बनानी थी, ठीक है, मेरे साथ उसको रील बनानी थी। अभी हम इंस्टा पे रील्स बना रहे हैं तो उसको भी शौक चढ़ा, ठीक है, तो उसने भी रील बनाई। उसने बोला ये मेरे को दिखाया स्क्रिप्ट, दो स्क्रिप्ट दिखाई उसने, उसमें से मैंने एक चूज़ करी। बताओ क्यों, इसको बताई क्यों, बताओ क्यों। इसने बोला मैंने फटाफट, और मैं इतना वो हूँ ना कि मैं एक बारी में कोई चीज़ सिलेक्ट भी नहीं करता, बड़ा सोचता रहता हूँ, बट मुझे पता था मुझे यही करनी है। तो उसमें था कि वो अक्षय कुमार दो एक करोड़ रुपया, दो बचा पाँच करोड़ रुपया, तो गरीब आदमी देखा नहीं कि भिखारी भीख मांगने आ गए, मुझे दिखा बाल पकड़ने का मौका मिल रहा है। मेरी बहन है मेकअप आर्टिस्ट और उसका बाल वाल पूरा ऐसे जेल लगा के सेट किए हुए थे, ऐसे बैठ गई सामने कि मेरा भाई बढ़िया से रील बना के दे रहा है, मान भी गया है पहली बारी में। मेरे को मौका मिला था, मैंने पकड़े बाल और ऐसे, अरे खींच दिए यार, वो रील देख के इतनी हंसी आ रही है ना, इसने उसके बाल लिटरली खींच दिए, उसके पूरे ना जेल वाले बाल ऐसे ऐसे खड़े हो गए, कह रही है भाभी इसने सच्ची में मेरे बाल खींच दिए। मैंने कहा यार कंटेंट है, और सोचो मम्मी ने स्पेशली, अभी हम पहुंचे भी नहीं थे घर, मम्मी ने स्पेशली फोन किया, तूने अपना बदला ले लिया, उन्होंने देख के बोला तूने अपना बदला निकाल लिया, थोड़ी कसर रह तो नहीं गई। तो मतलब प्यार सारे सब में, जो प्यार जो भी मतलब तू तू मैं जो भी है ना, जो भी ये दिखाते हैं वो एक्चुअली में हर रिलेशनशिप में होती है। इट इज़ वेरी रिलेटेबल, कम ज़्यादा, बट ये हर भाई बहन में तू तू मैं होती है। जीजे के साथ वही होता है, जीजा बेचारा आपकी बेटी को भी संभाल रहा है तो उसकी तो इज्जत वैसे ही बढ़ जाती है कि भैया हैं, और बेटी से भी पिल रहा है और यहाँ से भी पिल रहा है, तो और भाभी वही मतलब जैसे खड़ी है वो वैसे ही खड़ी रहेगी, मीडिएटर मीडिएटर, और बच्चे हैं नहीं वरना वो पिल जाते, तो काफ़ी हाँ मतलब काफ़ी रिलेटेबल है और काफ़ी मज़ेदार। बट मुझे जो पुरानी वाली थी ना उसका डायलॉग अभी भी याद है। वो एक्चुअली मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि मैंने शायद कल परसों में बीमार थी, मैंने बहुत रीलें देखी हैं, तो उसमें एक बंदे ने हाँ। और एक मतलब एक भाई बहन ने ये पूरा हाँ इनैक्ट किया उसकी वॉइस के ऊपर, एंड आई कुड रिमेंबर किया, ये बिल्कुल मेक जोक ऑफ एमजे एमजेओ की रील पे हम भी एक आध वॉइस पे ना करके आपको भेज दिखाते हैं। हाँ ठीक है चलो, हम इंस्टाग्राम पे बहुत रीलें बना रहे हैं नीति एंड रमन, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो देयर एंड फॉलो। और हमने एक नया चैनल जो इसका व्लॉग चैनल था उसका नाम अब नीति एंड रमन, हम करते रहते चीज़ें, तो इसका व्लॉग चैनल था नीति गंडोत्रा, हम उस पर ज़्यादा व्लॉग्स डाल नहीं रहे थे तो हमने उसका नाम भी नीति एंड रमन कर दिया। और वो वाली रील कुछ दिनों बाद यूट्यूब पे आती है, इंस्टा पे पहले आती हैं, तो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। एंड ये तो अच्छा है, ये मज़ेदार तो है ये, मगर मेरे को अभी याद है, मेरे को एग्जैक्टली पिछले वाला याद है, तो अब कंपेयर करना नहीं चाहिए दो वीडियोस को, मगर मुझे वो और ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा लगा पहले वाला। वो होता ना कि सीक्वल बनता है किसी चीज का, तो शायद उसका यार एक वो जो गाना था ना फूलों का, तो तूने मतलब वो उसमें था एक एक्चुअली में बहुत ज्यादा वाला धमाका था उसमें। और एक और बात बताऊं, वो हमारी पहली वीडियो थी मेक जो कॉफ की, तो लैंग्वेज एक्सप्रेशन वो सारे कैरेक्टर्स हमारे लिए बड़े नए थे, ऑफ कोर्स अब ये उसी कुर्सी पे बैठा है, वो वहीं बैठे हैं। मुझे ये भी याद है कि उसने पिछली बार बहन ने काली ड्रेस पहनी थी, इस बार ब्लू पे नहीं देख है। रहे हो चलो ठीक है, ठीक है, मजा आया, वेरी गुड। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो हिट लाइक सब्सक्राइब, बाय।